हाथ से दूध निकाले जाने के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाथ से दूध निकालने के फायदे, हाथ से दूध किस तरह निकाला जाए और कितनी बार निकाला जाए। हाथ से दूध निकालने के फायदे हैं, कड़क स्तनों को आराम मिलना, निकाले गए दूध से जख्मी निप्पल और उसके आसपास की सूखी त्वचा का इलाज कर पाना, स्तनपान के दौरान जख्मी निप्पल में दर्द हो तो शिशु को ये वाला दूध दे पाना, माँ के दूध की मात्रा बढ़ाना या फिर बनते हुए दूध की मात्रा बनाए रखना। ये दूध शिशु के लिए रखा जा सकता है जब माँ आसपास ना हो या काम पर गई हो। ये तरीका निप्पल के आसपास के काले भाग को नरम करके शिशु को स्तन से सही तरह से जुड़ने में मदद भी करता है। इस तरीके से ये भी जांचा जा सकता है कि शिशु ने एक स्तन को पूरा खाली किया है या नहीं। और गाय के दूध के बजाय इस दूध से शिशु का पूरक खाना भी बनाया जा सकता है। इससे समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को दूध दिया जा सकता है और बीमार शिशुओं को भी, कमजोर मांसपेशी वाले शिशुओं को भी और उनको भी जिन्हें जुड़ी हुई जीभ हो या कटे होंठ हो, और उन शिशुओं को भी जिन्हें स्तन से जुड़ने में तकलीफ हो। अब हम सीखेंगे कि हाथ से दूध कैसे निकालें। सबसे आम तरीका जो सुझाया जाता है वो है माँ अपने हाथ से खुद दूध निकाले, क्योंकि इस तरीके से निप्पल के आसपास के भाग को कम तकलीफ होती है और इस तरीके में किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से माँ कहीं भी कभी भी दूध निकाल सकती है। हाथ से दूध निकालना एक ऐसी कला है जो बार बार करने से बेहतर होती है। जब स्तन नरम हो तब हाथ से दूध निकालना आसान होता है, इसीलिए हर माँ को ये कला प्रसव के पहले या दूसरे दिन सीख लेनी चाहिए। हाथ से दूध निकालने से पहले माँ को दूध इकट्ठा करने के लिए स्टील या कांच का बर्तन तैयार करना चाहिए। वो एक कप, गिलास, जग या बड़े मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल कर सकती है। उसे पहले बर्तन को साबुन और पानी से धोना चाहिए। उसके बाद बर्तन को उबलते पानी में या फिर उबलते पानी को बर्तन में डालकर कुछ देर तक छोड़ना चाहिए। फिर बर्तन को हवा लगाकर या साफ कपड़े से पोंछकर सुखाना चाहिए। बर्तन को कभी भी मैले कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए। बर्तन को सुखाने के बाद अगला काम है स्तन से दूध निकालना। दूध के बहने के लिए माँ को शांत मन से शिशु के बारे में सोचना चाहिए। माँ ये सब भी कर सकती है, जैसे अकेले शांत बैठना या फिर खास सहेली के साथ बैठना। कुछ माएं अपनी सहेलियों को हाथ से दूध निकालता देख खुद भी आसानी से निकाल पाती है। माँ शिशु को अपने नंगे शरीर के करीब रखने के लिए गोदी में बिठा सकती है या फिर वो शिशु को देख सकती है या उसकी आवाज सुन सकती है। कभी सिर्फ शिशु की तस्वीर देखकर या उसके कपड़े सूंघकर भी मदद हो जाती है। वो कुछ हल्का गर्म पी सकती है, पर चाय, कॉफी, शराब या उत्तेजक चीजें नहीं। दूध के बहने के लिए वो अपने स्तन को हल्का गर्म कर सकती है, जिसके लिए गर्म पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा स्तन पर रख सकती है या गर्म पानी से नहा सकती है। अपने निप्पल और उसके आसपास के काले भाग को उत्तेजित करने के लिए वो उन्हें हल्के से खींच सकती है या उंगलियों से घुमा भी सकती है। अपने स्तनों को गोलाकार तरीके से घुमाकर उनकी मालिश कर सकती है। माँ किसी से अपनी पीठ भी दबवा सकती है। पीठ दबवाने के लिए माँ को बैठकर आगे की तरफ झुकना चाहिए। बाहों को मेज पर रखकर उस पर सर रखना चाहिए।
उसके स्तन नंगे लटकने चाहिए। मालिश वाली को रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक दबाना चाहिए। मुट्ठी बंद होनी चाहिए और अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए। अपने अंगूठे को अच्छे से दबाकर गोलाकार तरीके से घुमाना चाहिए। उसे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक ही बारी में दबाना चाहिए, गर्दन से कंधों तक। ऐसा उसे 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। इन सब तरीकों से दूध के निकलने में मदद होती है। और दूध जब इस तरह निकलता है तो उसे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के शुरू होने पर माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। फिर उसे आराम से बैठकर हल्के से आगे झुकना चाहिए। उसे तैयार किया बर्तन स्तन के पास पकड़ना चाहिए। अब उसे एक तरफ से अपना अंगूठा और उंगलियां स्तन पर आधे चांद के आकार में पकड़नी चाहिए। वो किसी भी हाथ से कोई भी स्तन पकड़ सकती है और जब एक हाथ थक जाए तो दूसरे से स्तन को पकड़ सकती है। स्तन पकड़ते हुए उसका अंगूठा स्तन के ऊपरी भाग पर होना चाहिए और उंगलियां अंगूठे के उल्टी तरफ यानी स्तन के नीचे। उसका अंगूठा निप्पल और उंगलियां हमेशा एक सीध में होने चाहिए। निप्पल अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली के बीच में होना चाहिए। निप्पल और अंगूठा और निप्पल और उंगलियों के बीच में 2 उंगलियों का फर्क होना चाहिए। उंगलियां निप्पल के ज्यादा करीब हों तो दूध ज्यादा देर तक नहीं बहेगा। माँ का दूध ज्यादा निकलेगा जब निप्पल के आसपास के काले भाग की नीचे की दूध की नलियों को वह दबाएगी। इस चित्र में माँ ने अपना दायां स्तन दाएं हाथ से सही तरह से पकड़ा है। अब स्तन को लगातार हल्का दबाव देते हुए सीने की तरफ अंदर को दबाएं। फिर हाथ को हिलाए बिना अंगूठे और उंगलियों से स्तन को हल्के से दबाएं और स्तन पर से दबाव हटा दें। माँ को ये तीनों तरीके दोहराने चाहिए। दबाकर पीछे खींचना, हल्के से दबाना, फिर छोड़ना। सबसे जरूरी है पहला तरीका, दबाकर पीछे सीने तक ले जाना। सिर्फ निप्पल की तरफ दबाने से बहुत कम दूध मिलेगा, पर जब स्तन को पीछे को दबाकर खींचा जाता है तब गहरी नलियों से दूध निकलता है। स्तन को ज्यादा पीछे ना खींचे क्योंकि इससे दूध की नलियां बंद हो जाएंगी। जब माँ हाथ से दूध निकालना शुरू करती है तो पहले पहले कुछ बूंदे ही निकलती हैं। जैसे ही लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू होता है तो दूध टपकने लगता है। पहली कोशिशों में दूध टपकना या कम निकलना आम बात है। कुछ वक्त के बाद दूध की धारा बहती है, क्योंकि स्तनपान में हाथ से दूध निकालना एक कला है जो कि बार बार करने से बेहतर होती है। जन्म के बाद का पहला दूध कोलेस्ट्रम कुछ बूंदों में ही आता है, पर नवजात शिशु के लिए काफी होता है। इस गहरे पीले दूध में शिशु की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी गुण होते हैं। माँ को वो तीनों तरीके बार बार करने चाहिए जब तक दूध का बहाव कम होकर धीरे धीरे टपकने लगे। फिर उसे उंगलियां स्तन के अलग अलग भाग पर रखकर दूध निकालना चाहिए। स्तन के भरे भाग को महसूस करके उसे उस जगह का दूध निकालना चाहिए। उसे हाथ से कम 3 से 5 मिनट तक दूध निकालना चाहिए जब तक बहाव कम न हो जाए। फिर दूसरे स्तन से भी दूध इसी तरह हर जगह से निकालना चाहिए और फिर एक और बार दोनों स्तनों से दूध निकालना चाहिए। दोनों स्तनों में से अच्छे से दूध निकालने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं। पहले कुछ दिनों में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि
उन दिनों में बहुत कम दूध बनता है। ये जरूरी है कि कम वक्त में हाथ से दूध ना निकाला जाए। याद रखें, हाथ से दूध निकालने से दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता है तो इसका मतलब तरीका गलत है। स्तन के ऊतक कोमल होते हैं। निप्पल और स्तन की त्वचा को उंगलियों से ना रगड़ें, ना खींचें, क्योंकि इससे स्तन पर जख्म हो सकते हैं। निप्पल के आसपास के काले भाग को भी ना कसें और ना ही खींचें। ना ही निप्पल को दबाएं या खींचें, क्योंकि निप्पल को दबाने या खींचने से ज्यादा दूध नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिशु का सिर्फ निप्पल को चूसना। हाथ से दूध निकालने के बाद माँ को बर्तन एक साफ कपड़े या ढक्कन से बंद करना चाहिए। फिर उसे वह दूध बाद के इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए। स्तन के दूध को संभालना और इस दूध को बाद में शिशु को पिलाना, ये दोनों एक अन्य ट्यूटोरियल में बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे माँ को कितनी बार हाथ से दूध निकालना चाहिए। दूध को शुरू करने के लिए या बनते हुए दूध की मात्रा बनाए रखने के लिए या फिर कम वजन या बीमार नवजात शिशु के लिए माँ को प्रसव के तुरंत बाद हाथ से दूध निकालना चाहिए। शुरुआत में उससे कोलेस्ट्रॉल की कुछ बूंदें ही निकल पाएंगी। इससे स्तन का दूध बनना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्रसव के बाद शिशु स्तन चूसता है। माँ को जितना हो सके हाथ से दूध निकालना चाहिए और जितनी बार उसका शिशु पी सके। ये हर 2 से 3 घंटे में करना चाहिए, रात को भी। बार बार दूध निकालने के बीच का समय अगर ज्यादा हो तो माँ ज्यादा दूध नहीं बना पाएगी। अगर कुछ हफ्तों बाद दूध कम बन रहा हो तो माँ को दूध ज्यादा बनाने के लिए हर 1 से 2 घंटों में शिशु को दूध पिलाकर हाथ से दूध निकालना चाहिए। अगर लगे कि शिशु 3 घंटे सोएगा तो माँ को 2 स्तनपान के बीच में हाथ से दूध निकालना चाहिए। पर अगर स्तन कड़क हो रहे हो या काम के दौरान उनमें से दूध खुद निकल रहा हो तो माँ को जितना हो सके हाथ से उतना ही दूध निकालना चाहिए। अगर निप्पल की त्वचा को तंदुरुस्त रखना हो तो माँ को हाथ से 1 बूंद निकालकर निप्पल पर मलना चाहिए। ऐसा उसे नहाने के बाद और स्तनपान कराने के बाद करना चाहिए। अगर कामकाजी माँ को शिशु के लिए दूध रखकर जाना हो तो उसे काम पर दूध निकालना चाहिए ताकि दूध बनता रहे, और काम पर जाने से पहले उसे दूध निकालकर शिशु के लिए उसकी ध्यान रखने वाली को देना चाहिए। अगर माँ के पास फ्रिज है तो वो ये सब करने के लिए कुछ हफ्ते पहले ही तैयारी कर सकती है। वो थोड़ा ज्यादा दूध हाथ से निकालकर आगे के इस्तेमाल के लिए संभाल कर रख सकती है। वो शिशु को स्तनपान कराने के बाद भी हाथ से दूध निकाल सकती है। हर बार पिलाने के लिए माँ को कुछ 60 से 90 मिलीलीटर दूध छोड़ना चाहिए। अगर माँ पास में ना हो तो ज्यादा दूध शिशु को दे सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से। याद रखें, जितनी बार हाथ से दूध निकालेंगे उतना दूध आसानी से निकलेगा और जल्दी भी, और माँ भी ज्यादा दूध बना पाएगी। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।